फिर से हेलो एवरीवन और गुड इवनिंग जुहार। तो अभी आज मेरा बर्थडे था और अभी रात के बज रहे 10, तो मेरे को अभी टाइम मिला है। तो जैसे कि मैंने वो उस वाले व्लॉग में बोला था कि गिफ्ट के लिए मैं नेक्स्ट व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, तो मैं सोची कि चलो अभी बना लेती हूँ, टाइम मिला है। तो स्टार्ट करते पहले छोटे किड से। ये बहुत क्यूट है और मेरे को टैडीज बहुत पसंद है। ये देखो काफ़ी क्यूट लग रहा है। अरे इसका कैप्चर कर लो। यस, काफ़ी क्यूट है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो शिवानी, इसके लिए थैंक यू। तो स्टार्ट करते पहले तो मैंने ये दिखा दिया है, इसके लिए शिवानी थैंक यू। बहुत ही प्यारा है ये, बहुत ज़्यादा प्यारा, आई लव इट सीरियसली। और मेरे को छोटी छोटी क्यूट चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि ये, इसका नामकरण होगा कुछ दिन में। तो नेक्स्ट दिखाते हैं। ये क्यूट है। तो अब नेक्स्ट क्या, ये है फ्रॉम दिव्या अंजुई। तो ये दिव्या देवी दी है मेरे को। बहुत सुंदर, लुक एट दिस, सच अ प्रिटी इयररिंग। थैंक यू दीदी, बहुत ही प्यारा है। अब चलते दूसरे गिफ्ट के तरफ। मेरी फ्रेंड ही होगी, कोई बात नहीं। सो छोटी छोटी खुशियों को हमेशा ध्यान रखते हुए, क्यूट सा छोटू सा लाफिंग बुद्धा, थैंक यू शिवानी। मेरे को लगता है ये शिवानी ने ही दिया है, थैंक यू। Let's open this one. This is from Shivani. इसमें मैं प्यार की बातें रखूंगी और इसे ताला मार के रखूंगी, किसी को बताऊंगी नहीं। क्यूट है, सच में क्यूट है। और ये चाबी भी बहुत ही प्यारी प्यारी। ये मुझे श्रुति ने दिया है, जिसको मैं डैडी बेयर बोलती हूँ। तो इसको खोलते हैं, चलो। ये मेरी काम की चीज है, थैंक यू श्रुति। ये देखो बहुत सुंदर है, थैंक यू। अब दूसरे गिफ्ट की तरफ। आई हैव दिस वन, इसको ओपन करते हैं। दिस इज फ्रॉम रीना कुमारी। हाँ, ये मेरी दीदी की बेस्ट फ्रेंड है। अब इसको हम खोलते हैं, ओपन करते हैं। इसके अंदर क्या है मेरे को कोई आइडिया नहीं है। थैंक यू दीदी, थैंक यू रीना दीदी। क्या है मेरे पास अभी, ये है फ्रॉम आशा, मेरी फ्रेंड आशा। अब वाओ, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, थैंक यू, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ बढ़ते। ये चॉकलेट जो है इसके साथ था,
और ये मुझे जहाँ तक याद है मुझे ये रैक्स मियाँ ने दिया था। बहुत ही प्यारा सा शर्ट है, बहुत अच्छा है, बट ए कॉम्बिनेशन कलर अच्छा लग रहा है साथ में। थैंक यू भैया। मेरे पास दो दो डायरी मिल्क के डब्बे हैं, ये मेरे को दीदी के दोस्त ने दिया है मनोहर भैया, और मुझे दिया है ये अंकित भैया ने, और अंकित भैया का एक गिफ्ट और बाकी है तो मैं उसको ओपन करती हूँ। मुझे लगता है लोग चाहते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँ। लाफिंग बुद्धा गाइस। बहुत प्यारा है, थैंक यू भैया। तो ये प्यारा सा गिफ्ट जो है ये देखने से छोटा है लेकिन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मेरे बेस्ट फ्रेंड ने दिया है, मेरे मेल बेस्ट फ्रेंड ने, बाकी तो मेरी गर्ल बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे मेल बेस्ट फ्रेंड। और इसके अंदर मेरे को ये पहले ही मिल चुका था तो मेरे को आइडिया है, तो इसका रिएक्शन मैं अलग से दे नहीं सकती। इसके अंदर ये पायल जो कि बहुत ही प्यारा है, थैंक यू, इससे ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती, बहुत अच्छा है, थैंक्स। अब आगे बढ़। एक ये है जो मेरी दोस्त ने मुझे दिया है, ज्वेलरीज है, मालूम है गर्ल्स के कितने काम आते हैं ये सब चीज़, तो थैंक यू नेहा, ये नेहा ने मुझे दिया है। और ये इतना बड़ा गिफ्ट, ओह माय गॉड, ये तो फ्रेम में भी नहीं आ रहा। I have no words, guys. अब मुझे नहीं लगता कि मेरे को मेरे जैसे दोस्त कहाँ मिलेंगे। और एक फोटोज की दुकान है, ये हमारी अच्छी अच्छी मेमोरीज है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मेरे पास दो और गिफ्ट हैं, ये ड्रेस जो है मुझे मेरी दीदी ने दिया था जो कि बहुत ही प्रिटी है, मैंने इसको पहन के ट्राई किया था, और मेरी जो सब सेकंड वाली दीदी है उसने मुझे ऐसी चीज़ ऐसा गिफ्ट दिया जो मैं बता भी नहीं सकती। तो मेरे पास और एक गिफ्ट, मतलब मेरी सिस्टर ने दिया था ये, इसे मैंने नाम लिखा हुआ है, ये क्यूट है, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और उसने मेरे को एक टी शर्ट दिया था जो कि बहुत ही कूल था। गिफ्ट मेरे को, मेरे जितने भी गिफ्ट मेरे को मिले हैं मेरे को सारे पसंद आए, हाँ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरे को सारे सबके गिफ्ट बहुत पसंद आए, सब भी बहुत क्यूट क्यूट से है, और मेरे लिए है तो ऑफकोर्स अच्छे होंगे ही। तो इसी के साथ मैं व्लॉग एंड करती हूँ, देन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो इसी के साथ बाय बाय, झाके निजवार।